हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं सुनील कुमार केटी वेस्टालिस और आज अगेन एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप हेयर स्प्रे के ऊपर भी वीडियो बनाएं। वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप कौन से हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाई जाए और कौन कौन से हेयर स्प्रे मैं यूज़ करता हूँ उनके बारे में आप लोगों के लिए बताया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो मैं ये यूज़ करता हूँ नोवा गोल्ड सुपर फ्रेम होल्ड। इसका जो होल्डिंग पावर है ये अराउंड 4 लेवल के आसपास इसका होल्ड पावर होता है, कैचिंग पावर, होल्डिंग पावर 4 लेवल की। ये थोड़ा सा वाटरी होता है, कंटेंट थोड़ा स्टिकी भी होता है, वाटरी ज़्यादा होता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो स्टाइलिंग के पर्पज़ से, बट इट्स गुड। हाँ, इसकी थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है, तो लाइक आप काफ़ी कई हेयर स्टाइलिंग मतलब कई स्टाइलिंग आप अगर क्रिएट करते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है। तो स्टार्टिंग पर्पज़ से आप ये भी यूज़ कर सकते हो, 4 नंबर का इसका होल्ड पावर होता है, लेकिन इसका जो है स्टिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। देन सेकेंड, ये भी होल्डिंग स्प्रे है, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट ओनली होल्डिंग स्प्रे। मैं आप लोगों को जस्ट केवल होल्ड स्प्रे के बारे में बता रहा हूँ। एंड देन सेकेंड हमारे पास में है, दिस इज़ द गैट्सबी, सिल्वर कलर में ये आता है, सिल्वर गैट्सबी। ये देखिए इसका नाम गैट्सबी, इट्स अ सेट एंड कीप स्प्रे। ये सिल्वर कलर में आता है, इसका होल्डिंग पावर जो है वो अराउंड 4 लेवल का ही होता है, बट ये थोड़ा सा नोवा गोल्ड से थोड़ा बेटर होता है। नोवा गोल्ड से थोड़ा सा कम वाटरी होएगा और थोड़ा सा कम स्टिकी होता है, बट इट्स अ 4 नंबर होल्ड पावर, ठीक है, 4 नंबर होल्ड पावर है इसका। और ये भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, नॉट ज़्यादा अभी इतना भी आप नहीं सोचे कि लाइक थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। ये सारे नॉन फ्लेक्सिबल स्प्रे हैं, मीन्स इनको आप रिमूव या रिशेप नहीं कर सकते हैं, रिशेप नहीं कर सकते हैं स्टाइलिंग को, उनको हम नॉन फ्लेक्सिबल स्प्रे कहते हैं। तो ये 4 नंबर का होल्ड पावर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, गैट्सबी का सिल्वर वन, ठीक है। एंड देन नाउ दिस इज़ वन सेम गैट्सबी ब्रांड, एंड इसका जो होल्डिंग पावर होता है वो 5 लेवल का होल्डिंग पावर होता है, यू कैन सी। ये आपका ब्लैक कलर में आता है, 5 नंबर का इसका होल्डिंग पावर होता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो लाइक हेयर स्टाइलिंग को बनाते समय बैक कॉमिंग के ऊपर, कर्ल्स के ऊपर, बट ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इट्स वेरी स्टिकी एंड वेरी स्ट्रांग, ठीक है, बहुत स्टिकी होता है, वेरी स्ट्रांग होता है, बट आप अगर इसके यूज़ हो जाते हो इट्स वेरी गुड हेयर स्प्रे फॉर द लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। जैसे कर्ल्स के ऊपर भी करते हैं तो ये कई लाइक काफ़ी अच्छा आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देने वाला है, बट इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी स्टिकी। हाँ, आपको अपने नीड के अकॉर्डिंगली ये स्प्रे आपने यूज़ करने हैं। अभी तक हमने 3 स्प्रे लिए हैं, नोवा गोल्ड, ये थोड़ा सा वाटरी होता है लेकिन इसका होल्डिंग पावर थोड़ा कम होता है, मीन्स थोड़ा सा देर से ग्रिप करेगा। सेकेंड ये गैट्सबी सिल्वर कलर, ये आपका 4 नंबर का होल्डिंग पावर है, ये आपका क्विक वर्क करता है, बहुत जल्दी ये आपका ग्रिप जल्दी देता है आपको, ये भी 4 नंबर का होल्डिंग पावर है। देन थर्ड वन, इट्स अ गैट्सबी हेयर स्प्रे, इट्स अ 5 नंबर होल्ड पावर, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यू कैन यूज़ एनी लाइक व्हेन यू मेकिंग एन हेयर स्टाइलिंग, जब आप हेयर स्टाइलिंग बना रहे हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन नाउ हम चलते हैं अदर हेयर स्प्रे की तरफ में। ये देखिए, ये है हमारा टाफ्ट का हेयर स्प्रे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं डेली मार्केट में और भी लोग, तो ये टाफ्ट का 5 लेवल का होल्डिंग पावर का स्प्रे है, इट्स वेरी गुड फादा, इट्स ऑल्सो होल्डिंग स्प्रे, काफ़ी इसका 5 लेवल का इसका स्ट्रॉन्ग पावर होता है, काफ़ी अच्छा हेयर स्प्रे है ये स्टाइलिंग पर्पज़ से यूज़ करने, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं हेयर एसर, एंड काफ़ी सलोन में ये यूज़ होता है, मोस्टली दिल्ली में सबसे ज़्यादा यही चलता है, लॉट्स ऑफ टाफ्ट ब्लैक वन, ठीक है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, इट्स गुड, बट ये भी नॉन फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये भी। देन नाउ आई एम यूजिंग सी दिस वन, ये वाला भी मैं स्प्रे यूज़ करता हूँ, ये भी टाफ्ट का हेयर स्प्रे है, ये ब्लू कलर में आता है, इसका होल्डिंग पावर जो है 6 लेवल का होल्ड पावर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखे 3, 4 एंड 5 लेवल, ठीक है, नाउ दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 6 लेवल का, बट ये थोड़ा सा लाइक आपका फॉगी होता है, थोड़ा सा मीन्स गैस फॉर्म में होता है, बट इसका ग्रिपिंग बहुत जल्दी क्विक ड्राई करता है, क्विक कैच करता है, इसका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, होल्डिंग पावर बहुत अच्छा है। तो जैसे कोई स्टाइलिंग आप बना रहे हो कि आपको उसको क्विक होल्ड करना है उसी टाइम पे, कि ये बस जहाँ के तहाँ ठहर जाए वहीं लॉक हो जाए, तो उस केसेस में आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो उस केसेस में आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो गैट्सबी, बट ये थोड़ा सा स्टिकी है, वाटरी है, और ये थोड़ा सा आपका गैस फॉर्म में है, दोनों ही अच्छे हैं, अगर आपके पास में ये है नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हो, और ये है तो ये तो है ही अच्छा, ठीक है, फॉर द स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए यू कैन यूज़ टाफ्ट 6 लेवल,
ठीक है. अदरवाइज इफ यू हैव दिस वन ऑल्सो गैट्सबी ब्लैक वन यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. ओके सो नाउ दिस इज द लास्ट स्प्रे आई एम यूजिंग फॉर द शाइनिंग पर्पज. सी ओसिस प्लस वन स्कॉस्कॉप ब्रांड का ये आप देख सकते हो ओसिस प्लस वन ये शाइनिंग स्प्रे है. आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर शाइनिंग के लिए फिनिशिंग लुक के लिए. जब आपका स्टाइल कंप्लीट हो जाता है तो आप बस ऊपर से इसको चारों तरफ से आप करिए तो थोड़ा सा स्टाइलिंग में फ्रेश लुक आ जाती है. एंड स्टाइलिंग से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. जैसे ब्लो ड्राई किया, ब्लो ड्राई के बाद में क्रिम्पिंग करी एंड उसके बाद में आप इसको पूरे हेयर पे करो बट कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का भी दिखता है समटाइम्स अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं. थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ताकि छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स हैं इससे थोड़ा सा बैठ जाते हैं बिकॉज इज अ देयर इज़ अ वन नंबर होल्ड पावर. ठीक है, वन नंबर मीन्स नेचुरल काइंड ऑफ होल्ड पावर. स्टिकी नहीं होएगा, अगर ज़्यादा करोगे तो स्टिकी होएगा. आपने हल्का हल्का करना है, दूर से करना है, फ्लैट ब्रश से आपने कॉन्ट्रू कर लेना है. तो ये थोड़ा सा माइनस सा ग्रिप देता है और शाइनिंग इफेक्ट भी देता है. अदरवाइज जब आप किसी भी सेक्शन के ऊपर काम कर रहे हो तो उसी सेक्शन के ऊपर स्प्रे करें एंड देन कोई भी पैटर्न आप बना रहे हो तो बना सकते हैं इस स्प्रे को यूज़ करने के लिए. बट ये होल्डिंग स्प्रे नहीं है, याद रखिए ये होल्डिंग स्प्रे नहीं है, ये शाइनिंग स्प्रे है. ये थोड़ा सा फ्रेश लुक देता है, हल्का सा माइनर सा होल्ड पावर नेचुरल लुक देता है. ठीक है, नेचुरल होल्ड मीन्स जस्ट नेचुरल होल्ड होल्डिंग पावर. ठीक है, ये केवल शाइनिंग स्प्रे की तरह आप समझें. ठीक है, बट ये थोड़ा सा आपको जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका होल्ड पावर किस टाइप का है. ऐसा काइंड ऑफ नेचुरल. ठीक है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको तो आप जैसा मर्जी यूज़ करो. ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल है बट ये होल्डिंग नहीं है. ओके सो ये थे हेयर स्प्रे जो आज हमने आपको बताए. होल्डिंग स्प्रे हैं, एक जो सिल्वर जो हमने स्कॉस्कॉप का बताया ओसिस प्लस वन वो केवल शाइनिंग स्प्रे हैं. दोस्तों मैं यही हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ स्टाइलिंग बनाने के लिए, बाकी कोई अदर ऐसा हेयर स्प्रे नहीं है जो मैंने अभी यूज़ किया है. कुछ कुछ और ब्रांड भी आते हैं मैं यूज़ करता हूँ बिटवीन बट अभी यही हेयर स्प्रे हैं जो नॉर्मली आप भी यूज़ करके अच्छी अच्छी स्टाइलिंग आप बना सकते हैं. सो दोस्तों ये थी वीडियो हेयर स्प्रे के ऊपर. उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है या जिनको भी हेयर स्प्रे के बारे में नॉलेज लेनी है. दोस्तों हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, या तो हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड या हेयर स्टाइलिंग से नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को घंटी जो होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.